आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। नमस्कार, आपका स्वागत है भारव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर के समर कैंप में। इन 10 दिनों में यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा भैया बहनों ने अलग अलग एक्टिविटी में भाग लिया, जिसको वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी विभाग ने अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया और बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं समर कैंप की एक झलक। अंतर से मुख से कृत से निश्चल हो निर्मल मुख से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, आराधन करे राष्ट्र आराधन। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और दिखाते हैं कि वहाँ पर हमने आचार्यों एवं भैया बहनों से क्या बात की। सर, आपने इतने दिनों में बच्चों को क्या क्या सिखाया और बच्चे क्या सीखना और चाह रहे हैं? मैंने जैसा बताया कि हम लोगों ने सिखाया बहुत कुछ नहीं, हम लोगों ने केवल डिस्कशन किया, हम लोगों ने बताया कि जब आप बातचीत करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, क्योंकि सभी बच्चों की बॉडी लैंग्वेज पहले से बहुत अच्छी है। हमने देखा वो जब अंग्रेज़ी बोलते हैं तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर प्रोनंसिएशन उनका अप्रोप्रिएट नहीं था, तो जितिन सर ने बहुत अच्छा प्रोनंसिएशन ड्रिल कराया। देवलोक जी ने, विकास जी ने बहुत अच्छी ग्रामर पढ़ाई है, सरिता घोष मैम ने बहुत अच्छे सेशन लिए हैं। इसके साथ मैनेजमेंट हमारा बहुत सपोर्टिव है और रेणु गुप्ते जी जो मैनेजमेंट से आती हैं, उन्होंने 3 दिन आकर सेशन लिया है और एक इस सेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने संभाला है और उन्होंने बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई, जिसमें स्किट कराई, पूरे क्लासरूम को एक हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया, हर बच्चे को एक कैरेक्टर बनाया उन्होंने और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती से उसको परफॉर्म किया है। मैम, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? Actually, you know, I can't be so specific because every day learning is a lifelong process. So every day, every time we learn something, so then we think, okay, like there is scope of improvement is always there. Sir, how would you describe your teaching style? Teaching style means how can we treat with the students, okay? And there many students have the many skills. So we are to just find out what the skills the students has, okay? And we are to treat like that. Sir, what's your best quality? So as a teacher, I think the best quality of a teacher is to be punctual, to be honest, and to be indulge with the students for the most of the time. Diksha, what do you like to do in your leisure time? I like to read books and learn about new words and their pronunciation. आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं वैदिक गणित विभाग के आचार्यों और भैया बहनों से हमारी क्या बातचीत हुई और उन्होंने इन 10 दिनों में क्या सीखा। मैम, सबसे पहले वैदिक मैथ्स और नॉर्मल मैथ्स में क्या डिफरेंस है? वैदिक मैथ जो होता है वो कैलकुलेशन को फास्ट करता है और जो नॉर्मल मैथ होता है वो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। हालांकि वैदिक मैथ्स में चलते हैं लेकिन वो शॉर्ट मैथड है, ठीक है, शॉर्ट मेथड होता है और यही डिफरेंस है, वो जल्दी कर सकते हैं और हमारे प्राचीन काल से वैदिक ही मैथ चलता आ रहा है। सर, वैदिक मैथ सीखने के क्या फ़ायदे हैं? वैदिक मैथ सीखने से हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है और हमारी जो सीखने की क्षमता है वो और अधिक हो जाती है। कुछ ऐसी ऐसे ट्रिक्स दिए गए हैं जो हम नॉर्मल मैथ में करने में कठिनाई होती है, लेकिन वैदिक विधि से हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सर, वैदिक मैथ्स मतलब बच्चे को क्यों सीखना ज़रूरी है? हाँ बेटा, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन में मतलब फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, समय की अवधि होती है, समय सीमा निश्चित होती है, तो उसमें बच्चा कम समय में बहुत बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से कर लेता है, तो कंपटीशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को वो अटैम्प्ट कर सकता है। और आज के टाइम में वैदिक मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है, ये सभी को सीखना चाहिए। भैया, आपने इतने दिनों में क्या क्या सीखा? हमने बहुत सारी विद्या की, जैसे 2 नंबरों का गुणा, 3 नंबरों का गुणा, वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना और बहुत सारी डिजिट और एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्यूशन करना कम टाइम में, जिससे हमारे कॉम्पिटिशन ईजी हो जाते हैं। जैसे कि बड़ी क्लास आती रहती है तो उनमें एलजेब्रिक इक्वेशंस आ जाती है बहुत सारी, जिनको सॉल्व करने में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है छोटी छोटी प्लस माइनस की, पर हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से उनको भी एक्यूरेट कर सकते हैं और मिस्टेक्स को बच कम कर सकते हैं, जिससे हमारे बड़े कॉम्पिटिशन में हेल्प होती है।
सर इतने दिनों 10 दिनों में आपको बच्चों को पढ़ाने का क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया और क्या आप बच्चों से सेटिस्फाइड हो? बच्चों ने अच्छा काम किया? हाँ, अभी जो हमने पिछले यानी 22 तारीख से हम जो उनको तैयारी करा रहे हैं, हमने प्रतिदिन उनको एक टॉपिक कराया है और सभी जितने भैया बहन उसमें भाग ले रहे हैं उन्होंने बड़े ही उत्साह से उसमें काम किया है। क्योंकि ऐसा लगता है जो नए नए बच्चे सीखते हैं तो उनको तो वो जब घर पे जाके बताते हैं तो लगता है जैसे मैजिक सीख लिया है, ये एक मैजिक की तरह से ही हो जाता है। तो उन्होंने बड़े उत्साह से किया है और अभी जब समापन होगा तो उसका प्रदर्शन भी होगा, तो आप देखेंगे कि भैया बहन कितनी जल्दी उस कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं समर कैंप की डांस क्लास में। वहाँ पर हमने अंतरा मैम से पूछा कि वो बहनों को कौन सा डांस सिखाती हैं। मैम आपने इतने दिनों में बच्चों को क्या क्या सिखाया, क्या क्या स्टेप्स सिखाए हैं? मेरे पास इस समर कैंप में इस बार डांस था, मेरे साथ राज मैम और मोनिका मैम है। हमने इस समर कैंप में बच्चों को 3 तरह की डांस एक्टिविटीज सिखाई। सबसे पहले हमने एरोबिक्स, दूसरे नंबर पे हमने जुम्बा के थ्रू भांगड़ा और थर्ड नंबर पे हमने सिखाया बच्चों को गरबा, जो हम लास्ट डे परफॉर्म भी करने वाले हैं। मैम जुम्बा, कार्डियो, एरोबिक्स और डांस में क्या डिफरेंस है? ये जुम्बा और कार्डियो ये हैं, ये ऐसे डांस फॉर्म हैं जो फिटनेस के थ्रू किए जाते हैं, मतलब बेसिकली हम इसका फिटनेस में यूज़ करते हैं और बाकी डांस तो एक नॉर्मल एक्टिविटी, एक फॉर्म है डांस। आप जब से यहाँ पे आए, जैसे मैम ने बताया कि आप लोगों ने 3 डांस स्टेप्स सीखे हैं, तो उन तीनों में से आपका फेवरेट स्टाइल क्या है? मेरा फेवरेट स्टाइल तो वैसे जिसमें मैं हूँ एरोबिक्स ही हैं, बट हाँ भांगड़ा और गरबा भी। ओके, थैंक्स अ लॉट। आपका फेवरेट स्टाइल क्या है यहाँ पे और क्या आप हमें वो करके दिखा सकते हो? हाँ, मतलब कि यहाँ पे जैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एरोबिक्स, भांगना और गरबा। तो इसमें से मेरा तो फेवरेट गरबा है, बिकॉज मैं गरबा में ही हूँ, एक पार्ट हूँ, तो फिर मैं गरबा कर सकती हूँ। ओके, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर कोडिंग डिपार्टमेंट में, दिखाते हैं वहाँ क्या बातचीत हुई। सर आपने बच्चों को यहाँ क्या क्या सिखाया इतने दिनों में? मैंने सबसे पहले HTML सिखाया और HTML का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, और इंट्रोडक्शन देने के बाद में हमने आगे फिर यूज़ किया, हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया कैसे प्रोग्राम हमारा होता है, फिर उसके बाद में हमने बच्चों को बेसिक स्ट्रक्चर बता करके फिर वेब पेज कैसे डिज़ाइन होता है उसमें हम आगे फर्दर बढ़ते चले गए, है ना। तो फिर हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में फिर हमने फ़ोटो डालना सिखाया, ठीक है, इसमें ग्राफिक्स डालना सिखाया और फिर लिंकिंग करना सिखाया, फिर हमने मार्क्यू भी दिखाया। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ हेडलाइंस चलती हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम से राइट में, ठीक है, उस तरीके से हमने सारी चीज़ें दिखाई थी। सर एक एग्जांपल, हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों ने बना रखी है वेबसाइट, ये इन्होंने बच्चों ने बनाया है, ठीक है। आपका HTML का एक्सपीरियंस क्या यूज़ करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मैं वेब पेज क्रिएट कर सकती हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ा कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती हूँ तो उस समय मुझे इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसे अभी समर कैंप में मुझे पहले स्क्रीनशॉट या गूगल से इमेजेस निकालना नहीं आता था, तो HTML में जैसे हमें बैकग्राउंड में इमेज लगाना होता है, तो उसके वजह से मैंने वो भी सीख लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है HTML सीख के। आप HTML सीख के क्या करना चाहते हो? एक वेबसाइट बनानी है, और मुझे ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर में नहीं आती थी। HTML को सीखते सीखते कंप्यूटर का बहुत सारा बेसिक पता लगा है, जैसे कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, और आगे मुझे कभी वेबसाइट बनानी पड़ी तो उसकी हेल्प मिलेगी। आपने इतने दिनों में क्या क्या सीखा? आज हमने आज इतने दिनों में 16 सिस्टम के बारे में सीखा। मैम आप बच्चों की परफॉर्मेंस से कितनी सेटिस्फाइड हैं? बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, और इनका ये जो लर्निंग ये आज कर रहे हैं ये इनकी लाइफ टाइम इनके काम आएगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हर जगह हमेशा चलते हैं, और ये नई नई चीज़ें सीख के बहुत ही मतलब इंटरेस्ट आ रहा है इन्हें, बहुत ही खुश हो रहे हैं बच्चे। समर कैंप में चल रही एक्टिविटी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं संगीत के आचार्य जी से कि उन्होंने भैया बहन को अब तक क्या सिखाया। सर सबसे पहले संगीत क्या है? बेटा संगीत, गायन, वादन और नृत्य, 3 चीज़ें जो हैं उनका समावेश है। तीनों चीज़ें जब एक साथ हों तो वो संगीत है, तीनों में से एक एब्सेंट है तो संगीत नहीं है। गायन वादन अच्छा हुआ, मैंने अच्छा गाया, इन्होंने बड़ा अच्छा तबला बजाया, तो संगीत अच्छा नहीं हुआ, वो गायन वादन अच्छा हुआ, लेकिन जब तीनों चीज़ें मिल जाएँ तो वो संगीत है। भैया आपने इतने दिनों में क्या सीखा यहाँ पे? इतने दिनों में हमने सिंपल अलंकार तो सीखे ही हारमोनियम पर बजाने, साथ ही साथ हमने वक्र अलंकारों के भी अभ्यास किए, साथ ही साथ हमें म्यूज़िक पार्ट निकालना, किसी भी गाने के बीच का म्यूज़िक निकालना भी सर ने सिखाया।
और साथ में हमने कई गीत भी सीखे जिनसे कि हमारे हारमोनियम प्लेइंग में निखार आ सके। क्या आप वही चीज़ यहाँ हारमोनियम पे बजा के दिखा सकते हो? हाँ, मैं यहाँ पर आपको अलंकार बजा के दिखा देता हूँ, कुछ वक्र अलंकार। बांसुरी पे धुन बजा के दिखा सकते हो? जी बिल्कुल, मैं आपको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बजा कर दिखाता हूँ। सर, क्या आप बच्चों के काम से सेटिस्फाइड हो? हाँ बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से तैयारियाँ करवाई थी भाई, बच्चे उस प्रकार से तैयार होते चले जा रहे हैं। जो बच्चों को मैंने तैयार करवाया, हमने कहरवा, दादरा और रूपक ताल को तैयार करवाया, उसका प्रदर्शन मंच पर हमारे छात्र देंगे। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस समर कैंप की आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में, जहाँ पर हमने सरिता मैम से बातचीत की। मैम, सबसे पहले इतने दिनों में आपने बच्चों को क्या क्या सिखाया? तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में इस बार बच्चों ने काफ़ी आर्ट, 9 दिन का था तो उसमें बच्चों ने अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटी करी है। फर्स्ट डे बच्चों ने पेपर से फ्लावर्स बनाने सीखे हैं, 2 पैटर्न्स के, ठीक है। सेकेंड डे हमने क्ले वर्क किया है, क्ले वर्क में एमसिल का यूज़ करके हमने गणेश जी बनाए हैं, ठीक है। फिर थर्ड डे बच्चों ने इन्वेलप सीखे हैं, जो वेस्ट जो से हमारे घर शादी के कार्ड आते हैं, इन्विटेशन कार्ड आते हैं, तो वो यूज़ तो होते नहीं, उसके बाद हम उसे जब फेंक देते हैं या तो ऐसे वेस्ट पड़े रहते हैं वो, तो उनका यूज़ करके हमने, और जो शकुन में हम कार्ड इन्वेलप में पैसे करके देते हैं कहीं पे, तो वो इन्वेलप बनाए हैं, है ना, उसका यूज़ किया है। थार डेकोरेशन करी है और सिल्वर फॉयल पेंटिंग बनाई है, और आज बच्चे मेहंदी लगाना सीख रहे हैं, मेहंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कल इनका लास्ट डे रंगोली है, जो रंगोली की प्रैक्टिस करेंगे। भैया, ये आप क्या बना रहे हो? ये श्री कृष्ण जी की पेंटिंग है और इसको मतलब प्रिंसिपल सर के ऑफिस में लगाया जाएगा। अच्छा, ये कितने दिन लगे बनाने में? इसको भी मुझे 5 दिन लगते हैं। आपने इतने दिनों में क्या बनाना सीखा है आप? हमने थाली डेकोरेशन सीखी है और एमसिल से गणेश जी बनाना सीखा है और क्ले आर्ट सीखा है और पेपर से फूल बनाना सीखा है, ये सब। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं एटीए लैब में, वहाँ पर भैया बहनों ने उन 10 दिनों में क्या क्या अलग अलग टाइप के मॉडल बनाए, चलिए दिखाते हैं। सर, आपने बच्चों को क्या क्या मॉडल्स पे काम कराया? ये जो समर कैंप हमारी 22 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक जो चल रही है, इसमें मेनली हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक तो मोशन डिटेक्टर है, दूसरा आपका ब्लाइंड पीपल्स के लिए जो स्टिक पे हम एक काम कर रहे हैं, और एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, आप उन तीनों में से कोई एक हमें दिखा सकते हो? हाँ, ये मैं आपको एक मॉडल के बारे में बताता हूँ जिसे अंकित भैया ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट के आगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये लाइट ब्लिंक जलने लगती है, ये अगर इसके सामने से कोई भी जलेगा, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक होगी। ये कौन सा मॉडल है? ये है मोशन डिटेक्टर मॉडल, जिसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसे सीढ़ियों पर लगा सकते हैं चोरों के लिए। आइए हम आपको लेकर चलते हैं योगा और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भैया बहनों ने कौन कौन से गेम खेले, इस बारे में हमने आचार्य कपिल तोमर सर से बातचीत की। सर, आपने कैंप में बच्चों को क्या क्या कराया? हमारा ये 10 दिन का कैंप लगा था स्कूल में, जिसमें हमने बच्चों को लगभग 8 से 10 गेम्स हैं जिनकी जो बच्चों को सिखाए गए, इनमें फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, जूडो और कराटे, इतने गेमों की हम लोगों ने प्रैक्टिस कराई है। इसमें सभी बच्चे थे, न्यू भी थे और हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी थे, तो इसको इस कैंप को हमने 2 ग्रुप में बांटा, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स से सीखने वाले फ्रेशर थे उनको हमने अलग तरीके से प्रैक्टिस कराई, और जो हमारे पुराने थे उनको हमने अलग तरीके से प्रैक्टिस कराई। बैंड इंजल ने जूडो के प्रमुख पीयूष सर से बातचीत की कि वो जूडो की कौन कौन सी टेक्निक सिखा रहे हैं। इतने दिनों में बच्चों को क्या क्या कराया? जब मार्शल आर्ट में अलग अलग तरह की एक्सरसाइज होती है, उसमें अलग अलग टेक्निक्स होती है, नॉर्मली 2 टेक्निक्स होती है, एक तो खड़े होकर छोड़ देते हैं, दूसरा ग्राउंड टेक्निक्स होती है, तो अलग अलग टेक्निक्स को यहाँ पे बताई गई। समर कैंप की प्रमुख नीतू मैम से हमने बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। मैम, आप समर कैंप की प्रमुख है, आप अगले साल ऐसा क्या करेंगी कि बच्चों की संख्या अधिक से अधिक हो? बेटा, मैं समर कैंप की प्रमुख हूँ, ये तो अच्छी बात है, और जो संख्या हमारी है अभी वर्तमान में वो 300 भैया बहनों ने भाग लिया है,
तो जो आपने इन 8 दिनों में सीखा है उसका हम प्रस्तुतिकरण करेंगे और 31 तारीख को हमारा समापन कार्यक्रम है और ये जो आपके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा इसको YouTube पे डाला जाएगा, विद्यालय की जो वेबसाइट है उस पे डाला जाएगा, इसको और भैया बहनों के जो ग्रुप हैं हमारे 32 ग्रुप हैं क्लास के सेक्शन के उस पे डाला जाएगा, जिससे और भैया बहन और उनके पेरेंट्स इस चीज़ को देखें और वो मोटिवेट हों कि हम एकेडमी के साथ साथ और अदर एक्टिविटी में भी भाग ले सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इससे उम्मीद है कि अगले साल यह संख्या दोगुनी हो जाएगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सर्व व्यवस्था प्रमुख मनोज त्यागी जी से बहन किंजल ने बातचीत की, आइए देखते हैं। सर आप पहली बात तो सर आप किस व्यवस्था में हो? बेटे समर कैंप में वैसे तो पूरी व्यवस्था मेरे पास ही है, लेकिन स्पेशली मेरे पास में जो समर कैंप में जो बच्चे और टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जो रेफ्रेशमेंट होता है उसका पूरा अरेंजमेंट मुझे करना होता है। सर तो आपको इस व्यवस्था, जैसे आपको ये व्यवस्था मिले तो आपको कैसा लग रहा है? बेटे क्या अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्था मिले हमें, अलग अलग टाइप की व्यवस्थाएँ मिले तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब बच्चों को हमें डेली कुछ ना कुछ अलग तरीके से रेफ्रेशमेंट देते हैं। जैसे इसमें जो हम रेफ्रेशमेंट अवेलेबल कराते हैं वो बच्चों को हेल्थी होता है, उनके स्वास्थ्यवर्धक होता है। जैसे हमने चने, मूंग, मतलब स्प्राउट जो होते हैं उनको क्या, पहले दिन केले करवाए थे, बीच में हमने फ्रूटी और बिस्किट का अरेंज कराया था, कल पिछले 2 दिन में हमने चने और मूंग और मूंगफली और किशमिश को मिक्स करके स्प्राउट बना करके पहले किया था, और आज फिर हम केले बंटवा रहे हैं। अंत में प्रधानाचार्य जी ने हम बच्चों को क्या मैसेज दिया, चलिए आपको दिखाते हैं। सर यहाँ पर करीब 300 के करीब बच्चे हैं, सर आपको क्या लगता है कि बाकी बच्चों ने क्या मिस किया? देखिए जो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है इसके लिए टीचिंग के साथ साथ समय नहीं मिलता, लेकिन ये ऐसा चांस था 10 दिन के लिए हमको अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ साथ हम स्किल्ड हो सकते थे, ये बच्चों ने मिस किया। सर दूसरा क्वेश्चन, सर आज पूरे भारत के स्कूलों में NEP 2020 को लागू किया जा रहा है, तो ऐसे में सर आप हमारे विद्यालय में कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलम को लागू करना चाहोगे? जो NEP के अनुसार जो कार्यक्रम है, जो भी हमारे सब्जेक्ट वाइज जो है, वो सब हम यहाँ लागू करेंगे, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप लोग को मालूम है जो भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम है, जैसे प्लम्बरिंग है, गार्डनिंग है, ये सबको यहाँ पर यूज किया जाएगा जिससे बच्चे स्किल्ड हो जाएं। सर तीसरा, सर इस कैंप के बाद समर वेकेशन पड़ने वाली है, सर आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे? हाँ ऐसा है, ये जो हमारा समय है जून का जिसमें वेकेशन रहती है, इसमें क्या होता है बच्चे समय ज़्यादा वेस्ट करते हैं, इस कारण मैं मैसेज देना चाहूँगा जितना भी सिलेबस हमारा हो चुका है, जो भी पाठ्यक्रम हम कर चुके हैं कम्प्लीट, उसको रिवाइज करें, उसको लिख के देखें, और एक्स्ट्रा भी कुछ समाज के अंदर जैसे कंप्यूटर सेंटर हैं या हमारा कोई स्किल्ड है और वो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सर। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। हमारे इस प्रयास में जो भी त्रुटियां हुई उसे हम भविष्य में सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का दिन मंगलमय हो, धन्यवाद। अंतर से मुख से कृत से निश्चल हो निर्मल मत से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन।